हरियाणा सरकार किसानों के हित में नित नए प्रयास कर रही है। बागवानी विभाग द्वारा कैंप लगाकर किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों से अवगत कराया जाता है, साथ ही सरकार की तरफ से किसानों को खेती के लिए मिलने वाली सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं से भी किसानों को लाभ मिलता है। प्रदेश के अधिकतर किसान आज आधुनिक और जैविक खेती से जुड़ रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने वाले ऐसे ही एक किसान हैं हरियाणा के पलवल जिले के प्रगतिशील किसान बलराम, जो अपने खेतों में जैविक खेती करते हैं। वो बताते हैं कि अपने खेतों में वो अलग अलग किस्म की सब्जियां उगाते हैं। इसके अलावा वो दाल और गेहूं की खेती भी करते हैं। विभिन्न तरह की सब्जियां उगाने से मार्केट में उनकी सब्जियों की डिमांड भी ज्यादा होती है। वो बताते हैं कि उनके खेतों में एक सब्जी की भी अलग अलग कई किस्में हैं। इसके साथ ही वो अपने कस्टमर से भी डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। किसान बलराम बताते हैं कि वो अपने फार्म से ही अपने ग्राहकों को डायरेक्ट डिलीवरी करते हैं। इससे उनके खुद की एक अच्छी मार्केट डेवलप हो गई है। अलग अलग किस्म की सब्जियां लगाकर वो अपने ग्राहकों की जरूरत को भी पूरा करते हैं। नाम बलराम, पुत्र श्री हरिचंद, गांव कुलैना पलवल से मैं हूं। और हम जो ये खेती कर रहे हैं, ये एक प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं, जिसमें हम साल भर में अलग अलग सभी दाल, गेहूं, चावल, सब्जियां, और सब्जियों में भी करीब 100 से ऊपर वैरायटी हम लगाते हैं। जैसे गोभी है, गोभी हमारे पास 4-5 वैरायटी की है, मूली हमारे पास 5-6 वैरायटी की है। तो हम क्या है कि सभी सब्जियों में कुछ देसी बीज भी हमने बचाए हुए हैं, देसी बीजों के ऊपर भी हमारा काम चल रहा है। और हम जो है सभी प्रकार की फसलें अलग अलग तरीके से लगाते हैं, और उनको जो है बेचने का काम हम सीधे ग्राहक को अपने यहाँ से फार्म से पैक करके और सीधे होम डिलीवरी करते हैं। किसान बलराम बताते हैं कि जैविक खेती का विचार उनके पिता के मन में आया था। दरअसल उनके पिता चाहते थे कि खेती में इस्तेमाल होने वाले जहरीले केमिकल से खुद को और लोगों को बचाया जा सके। खेती में उपयोग होने वाले जहरीले केमिकल का असर न सिर्फ सब्जियों या फसलों पर पड़ता है, बल्कि इससे जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम होती है। वो बताते हैं कि सही जानकारी मिलने के बाद उन्होंने जीवा अमृत और बीजा अमृत का उपयोग भी अपनी खेती में करना शुरू किया। वो बताते हैं कि जैविक खेती करने से पैदावार तो ज्यादा होती ही है, साथ ही केमिकल का इस्तेमाल ना होने से उनकी फसल भी हेल्दी और अच्छी होती है, जिससे बाजार में उन्हें उनकी फसल के दाम भी अच्छे मिलते हैं। ये जो विचार हमारे पिताजी के मन में आया था, जब यूरिया डीएपी खेतों में लोग डालते थे, तो उन्होंने सोचा कि ये जहर जो है कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाता है। तो उसको सोच करके उन्होंने ये जैविक खेती की शुरुआत करी। शुरू में हमने जो घूरे का खाद होता है उससे करी थी, उससे खेत में डाल दिया, और उसके बाद जुताई करके उसको आगे कोई खाद दोबारा मिली नहीं, तो उसमें इतना अच्छा उत्पादन नहीं हुआ। तो उसके बाद हमें जब धीरे धीरे जानकारी और हुई, तो हमने जीवा अमृत, बीजा अमृत, उनका प्रयोग किया। फिर उसके बाद हमने एक खेती से जुड़े जो शिवांश खेती, शिवांश खाद का हमने प्रयोग किया, जो कि 18 दिन में तैयार हो जाता है, और इसको बनाने में ना कोई बाहर से कुछ इनपुट लाना पड़ता। इसमें हम हरा चारा, सूखा चारा और गोबर, पानी, ये चार चीज़ें मिला करके बनाते हैं, जिसकी हम तीसरे दिन पलटाई करते हैं और उस खाद को, तैयार खाद को हम जो है फसलों में डालते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आने शुरू हुए, तो फसल में उत्पादन भी अच्छा हुआ। किसान बलराम बताते हैं कि वो अलग अलग किस्म की सब्जियां लाकर अपने हर ग्राहक की जरूरत को पूरा करते हैं। वो बताते हैं कि ऐसा करने से उन्हें काफी फायदा हुआ। सबसे बड़ी बात, उन्हें इससे एक बड़ा मार्केट भी मिला है। वो बताते हैं कि ग्राहक से सीधे जुड़ने का एक फायदा ये भी है कि ग्राहक को ये समझ होती है कि वो जिन सब्जियों को खरीद रहा है उसको किस प्रकार जैविक तरह से उगाया जा रहा है। इससे किसान और ग्राहक के बीच संबंध भी अच्छे बने रहते हैं। खेत में, एक ही खेत में कम से कम
20 से 30 तरह की सब्जियां लगाते हैं, जिसमें अलग 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 सब्जी होने के कारण हम ग्राहक की सभी सब्जियों की पूर्ति कर पाते हैं। जैसे अभी किसी का ऑर्डर आता है तो कोई 8 से 10 वैरायटी की सब्जी अगर मंगाते हैं तो 10 किलो सब्जी हम उनके घर डिलीवर कर देते हैं। तो इससे क्या है, एक तो हमें सीधा डायरेक्ट बाजार मिला, हम अपनी सब्जियां उगा करके सीधा ग्राहक तक, जो लास्ट कंज्यूमर है, उस तक हम पहुंचा रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा भी है कि किसान सीधा ग्राहक से जुड़ेगा तो ग्राहक को भी पता रहेगा कि किसान कैसे कैसे उगाता है और कैसे उस तक पहुंचाता है, तो एक ग्राहक और किसान के बीच संबंध बन। किसान बलराम अन्य किसानों से भी अपील करते हैं कि परंपरागत खेती छोड़ जैविक खेती को अपनाएं, इससे आपका और प्रकृति दोनों का फायदा होता है, बाजार में फसलों की डिमांड भी बढ़ जाती है। साथ ही वो बताते हैं कि इससे कम लागत में अच्छा मुनाफा मिलता है। इसके साथ ही किसान बलराम कहते हैं कि जैविक खेती को अपनाकर किसान मौसम की मार से भी बच सकता है। परंपरागत खेती के मुकाबले जैविक खेती में मौसम की मार कम पड़ती है। तो मैं भी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो परंपरागत खेती छोड़ करके एक ऐसी खेती करिए जिसमें मुनाफा अच्छा हो। जैसे ये जैविक खेती है और इसमें हम तरह तरह की फसल लगाएंगे, जिसमें अगर मौसम की भी कोई बात करें तो मौसम में जैसे हमने खेत में 20 तरह की फसल लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम हर हफ्ते फसल लगाते हैं, हर हफ्ते निकालते हैं। तो आज मानो बारिश हुई तो मेरे खेत में करीब 20% ही नुकसान होगा, जो कि कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि काफ़ी फसल ऐसी हैं जो बढ़िया पककर खड़ी हैं, कोई फसल ऐसी है जो अभी लगाई है, तो इसमें प्रकृति का भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। आज का किसान जैविक खेती और उससे होने वाले लाभ को भली भांति समझ रहा है। हालांकि अभी भी कई किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती नहीं जानते, और ऐसे ही किसानों के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है जिससे वो बेहद आसानी से जैविक खेती से जुड़ सके। कृषि विभाग से मिलने वाली मदद और जानकारी किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। जो किसान जैविक खेती को अपना चुके हैं वो खुद इसके फायदे बताते हैं। जैविक खेती भूमि की उपजाऊ क्षमता को तो बढ़ाती ही है, साथ ही इससे रासायनिक खाद पदार्थ पर किसान की निर्भरता कम होने लगती है। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि आने से किसान को सीधा मुनाफा हो रहा है, और आज जैविक खेती समय की मांग और जरूरत बन गई है। अधिक उत्पादक के लालच में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग खेत के लिए हानिकारक हो रहा है। हाइब्रिड बीजों और अधिकाधिक भूजल दोहन से भूमि की उर्वरा शक्ति, उत्पादन, भूजल स्तर और मानव स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। कई किसान तो खेती की बढ़ती लागत और बाजार पर पूरी तरह निर्भरता के चलते घाटे के कारण खेती छोड़ने को भी मजबूर होने लगे थे, लेकिन प्राकृतिक खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। और जिन किसानों ने खेती छोड़ने का फैसला किया था, आज वो किसान भी प्राकृतिक खेती को समझ और सीख कर मुनाफा कमा रहे हैं। किसान भाइयों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो परंपरागत खेती छोड़ करके हम जो खेती करते हैं उसमें इतना मुनाफा नहीं है, और सब्जियों की खेती हम शुरू करें, सब्जियों में फल सब्जियों फल फूल सब्जियों में हम जो है जैविक खेती का काम करें, उसमें शिवांश खाद बना करके, जैसे मैंने बताया है कि उस तरह से बना करके हम अगर डालें तो अच्छा मुनाफा होगा। और दूसरा, हमें अपने देसी बीजों को भी बचाना चाहिए। देसी बीज हम हर साल अपने लिए तैयार कर सकते हैं, जिसको बाजार से बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे हम दोबारा उनको यूज कर सकते हैं। अच्छे काम करने वाले किसानों के लिए सरकार भी अच्छे सहायता करती है, सहायता कई तरह से करती है, और जो किसान काम करते हैं उनके लिए सरकार भी आगे आती है। प्रगतिशील किसान बलराम सरकार की सराहना करते हुए बताते हैं कि जरूरत पड़ने पर सरकार और बागवानी विभाग भी किसान की मदद के लिए तैयार रहते हैं। बागवानी विभाग के सहयोग से हरियाणा का हर दूसरा किसान प्रगतिशील बन रहा है। सरकार की कोशिश है कि हर किसान को कम लागत में अच्छा मुनाफा मिले और प्रदेश के अन्य युवा भी खेती की ओर रुख करें। परंपरागत खेती को बदलकर
आधुनिक खेती की ओर बढ़ता हरियाणा का किसान आज एक खुशहाल किसान भी है। यह आधुनिक खेती का ही नतीजा है कि किसानों को खेती में होने वाले नुकसान से निजात मिल गई है। आधुनिक खेती को समझकर प्रदेश का किसान आगे बढ़ रहा है। सरकार की मंशा है कि बागवानी विभाग की मदद से हर किसान आधुनिक और जैविक खेती की ओर आगे बढ़ सके।